मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी शो के लिए, काफ़ी बेहतरीन प्रोमोस एपिसोड लगा, तो कुछ अगर आप बता सके आपके कैरेक्टर के बारे में। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल द विशेस। वी आर कमिंग अप विद जय हनुमान शो ऑन दंगल, और ये शो है हनुमान जी का, जहाँ पर सीता जी किस तरह से हनुमान जी को गाइडलाइंस देती हैं कलयुग में, क्या उन्हें किस तरह से, क्यों उनके राम जी उनके पास नहीं हैं, सो ये कहानी इस पर आधारित है। ओके, जब आपको ये ऑफर किया था तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, करना है नहीं करना है ये शो के बारे में? पहले तो मैंने उनको मना किया था कि मैं फिर से सेम किरदार नहीं करना चाहती हूँ, बट कहा जाता है ना नसीब, और मेरी डेस्टिनी के आगे आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। मेकर्स हैड दिस ह्यूज ट्रस्ट एंड फेथ कि जिस तरह से पहले जो किरदार मैंने निभाए हैं वो जनता तक वो मैसेज पहुँचा है, जिस तरह से लिखा गया है, दे हैड दिस ट्रस्ट एंड देन यू नो दैट हाउ आई एम ऑन बोर्ड। ओके, हनुमान जी का जो कैरेक्टर कर रहे हैं उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, मतलब शूट, मतलब बच्चों के साथ भी हम काफ़ी बच्चे हैं तो उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस शूट करने का, आपने शूट किया है तो? इट इज वेरी फन वर्किंग विद ऑल द पीपल। मेरा जितना शूट हुआ है वो क्रोमा के अगेंस्ट हुआ है, तो ज़्यादा मुझे उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला, बट माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज देयर। ओके, जब आपको ये ऑफर किया था तो थोड़ी नर्वसनेस थी कि हनुमान जी का, सीता जी का लेगेसी है, बहुत बड़ी लेगेसी कैरेक्टर, मतलब इसके लिए बॉलीवुड में तो फाइट होती है कैरेक्टर के लड़ने के लिए, तो ये लेगेसी करने के लिए क्या आपको थोड़ा नर्वसनेस, डर हुई? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि आप ये जानते हैं या ये समझते हैं कि ये कैरेक्टर को प्ले करने के लिए काफ़ी लोग यू नो पीछे आते हैं कि यार नो हमें ऐसा किरदार मिल जाए। आई वॉज ब्लेस्ड अगेन, नर्वसनेस तो नहीं, बट आई वॉन्टेड टू नो क्रिएटिवली कि क्या हम इस बार नया करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्ले कर चुकी हूँ यही किरदार, तो बस मैं उसी के बारे में चिंतित थी कि हम आगे क्या नया करेंगे इस किरदार को। ओके, आखिर में अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे लास्टली? थैंक यू सो मच ऑल माई फैंस फॉर ऑल द लव, कीप वॉचिंग माई शो जय हनुमान ऑन दंगल आज शाम 7 बजे। थैंक यू।